फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विद वन मोर वीडियो। दिस इज ह्यूंडई ऑरा BS6। जितने भी अपने ऑरा वाले भाई हैं, जबरदस्त फिटिंग हो रखी है इसके अंदर। और इसके अंदर लगभग जो है कितने किलोमीटर चल गई है? 65,000 टोटल 65,000 किलोमीटर गाड़ी चली है। और CNG के अंदर कितने किलोमीटर चली है? 35,000 किलोमीटर। और इस पे जो किट आपने लगवाया था, ये कितने टाइम हुए लगवाए हुए? 9 महीने पहले लगवाया था, अभी ये दोबारा BS6 इंस्टॉल कराई है मैंने। अच्छा, वो किट आपने कहीं और से लगवाई थी? हाँ, वो उतरवा के आपने BS6 किट लगवाया। और ये किट कितनी चल गई है? ये चल गई होगी 2000 के अंदर। 2000 किलोमीटर चली है। आई जस्ट गिव अ स्मॉल वॉक अराउंड। जो किट हमने इसके अंदर लगाया, दिस इज मोटोजेन BS6। दिस इज द फिलिंग वाल्व, यहाँ से गैस फिल हो रही है और डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है। जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ द फिटिंग, सुपर फिटिंग डन इन ह्यूंडई ऑरा BS6। वैसे भाई साहब ने 35,000 किलोमीटर चला चुके हैं कोई और किट में, और इस किट में इन्होंने 2000 किलोमीटर चलाई है। ये इसका जो है ECM है, 48 पिन का AEB का, मेड इन इटली, मोटोजेन। मोटोजेन बस नाम का ही इंडियन किट है, इंडियन नहीं है। इनका रिड्यूसर भी इम्पोर्टेड है, ये रिड्यूसर इनका डबल स्टेज है, इम्पोर्टेड है। इनका जो है ये आपका ECM भी इम्पोर्टेड है, और इनका इंजेक्टर और फिलिंग वाल बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। इंडियन है लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं लगाया हूँ वो मैं दिखाता हूँ। एक तो मैंने डायनेमिक एडवांसर लगाया इसमें। सी, ऑरा के अंदर ये एडवांसर 3 सेंसर पे काम करता है, और बिलीव मी आफ्टर पुटिंग डायनेमिक एडवांसर गाड़ी चलने का मज़ा ही अलग है। दूसरा जो मैंने इसके अंदर काम किया, ये सब डब्बे में नहीं आता है, मैंने लवेटो का गैस का फिल्टर लगाया। इससे क्या है, सारी इम्प्योरिटीज़ फिल्टर होके जाएगा, इंजन की लाइफ बढ़ेगी। तीसरा जो मैंने इसके अंदर काम किया, कूलेंट कनेक्शन किया आपके रिड्यूसर से। आप दो कूलेंट पाइप वायर ब्रेडेड आ रहा है, इससे क्या है कि आपकी मॉर्निंग स्टार्ट में जो आपके एग्जॉस्ट एमिशन से अनबर्न गैस निकलता है वो नहीं निकलेगा, 10% एवरेज इम्प्रूव होगा, और ख़ासकर सर्दियों में किट ठंडी नहीं होगी, गैस कभी जमेगा नहीं। चौथा जो मैंने इसके अंदर काम किया, मैंने कपलर टू कपलर वायरिंग किया। इसके इंजेक्टर्स, चारों इंजेक्टर्स के मैंने कोई वायर कट नहीं किया, सारा कपलर टू कपलर वायरिंग किया। और पांचवा जो इसके अंदर मैंने काम किया है, आपके ECM से और आपके डायनेमिक एडवांसर से ये जो भी वायर जा रहा एक स्पाइरल ट्यूब में जा रहा। नॉर्मल टेपिंग क्या है, आपके 2-4-6 महीने में गम निकल जाएगा, वायर बिखर जाएगी। ये सेम वैसे ही आपकी जो है ना टेपिंग हो रखा है जैसे कि आपकी गाड़ी की हो रखी है। जस्ट सी द क्वालिटी, आगे ये गाड़ी का है और उसके साथ हमारा है। जैसे ह्यूंडई ने कर रखा वायरिंग, सेम वैसे ही वायरिंग हमने कर रखा है। सुपर्ब डन, दिस इज़ ह्यूंडई ऑरा BS6। और ह्यूंडई की गाड़ियों के लिए मैं गाइड करता हूँ कि डायनेमिक एडवांसर ज़रूर लगाओ, जैसे टाटा में मैं लगा के देता हूँ, मारुति और होंडा में तो नहीं लगाता, लेकिन इसके अंदर मैंने लगाया। ह्यूंडई i10 हो, i20 हो, ऑरा हो, इसके अंदर आप जो है डायनेमिक एडवांसर लगाओ। अभी क्रेटा की अप्रूवल आ रहे हैं, हर एक क्रेटा में आप डायनेमिक एडवांसर पाएंगे, एंड बिलीव मी द कार विल रन बेटर देन पेट्रोल। इसका बूट दिखाता हूँ मैं आपको, जस्ट सी द बूट स्पेस। इसके अंदर जो सिलेंडर हमने लगाया, दिस इज 12 kg सिलेंडर, और सी द स्पेस, मोर देन 50% ऑफ द स्पेस इज अवेलेबल। जो स्टैंड हमने लगाया, रबर ग्रिप मोल्डेड पाइप स्टैंड, और TVS नाइलो लॉक नट बोल्ट, एंड डक्टिंग डन। भाई साहब जबरदस्त फिटिंग है, मज़ा आ गया फिटिंग के अंदर, ज़बरदस्त है। और पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, हर एक चीज़ को पूरा ध्यान रखा गया। क्या एवरेज क्या आ रहा भैया? हाईवे पर 28 पर kg। और लोकल के अंदर? लोकल के अंदर 20-22। अच्छा, बढ़िया एवरेज है। ह्यूंडई के अंदर होके भी बहुत ही बढ़िया एवरेज है। ह्यूंडई गाड़ी के अंदर होके भी आप इनको हाईवे पे 28 की एवरेज है, और लोकल के अंदर 22 की एवरेज है। गाड़ी चला के कोई जर, कोई लैग, किसी भी चीज़ का, आज आप आए थे एक RC का प्रोसेस के लिए, इनका सारा डॉक्यूमेंट लिया हूँ। UP 16 नंबर गाड़ी है, UP 13 नंबर गाड़ी है, इनकी RC पे एंडोर्समेंट करा के सब कुछ करके मैंने देना है। और
आज इनकी गाड़ी का मैंने थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन किया, स्पार्क प्लग भी चेक किया, रीसेटिंग किया मैंने, हल्की फुल्की दिक्कत था इनकी गाड़ी के अंदर वो सब कुछ करके मैंने दिया। मैंने कैसा लगा सर? बढ़िया, पहले से बेटर हो गई गाड़ी। पहले दबती थी, अब सही है, कॉन्फिडेंटली ओवरटेक हो पाता है। चलो बहुत बढ़िया, सो नाइस। एंड वी आर वेरी नियर टू एवरीवन हियर एट पश्चिम विहार ईस्ट मेट्रो स्टेशन। आई वेलकम एवरीवन, ऑल माय ओरा ब्रदर्स, ओरा, ह्यूंडई, टाटा, मारुति, कोई भी गाड़ी हो, BS6 हो, BS4 हो, भाई साहब गाड़ी A1 करके देंगे। द फिटिंग विल बी अल्टीमेट एज लाइक कंपनी फिटेड एंड बिलीव मी द कार विल रन एज सेम एज पेट्रोल, इवन बेटर देन पेट्रोल। चलो, इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।